student, how are you having all? Today we have to learn subject maths and chapter 3, how many square, and next topic measure stamp. Page number 35, next topic measure stamp. Look at this interesting stamp. That means A, B, C, D, E, F stamp है. ओके आप दे सकते हो कि स्टैम्प पिक्चर स्टैम्प है. ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पिक्चर स्टैम्प है. फर्स्ट ऑफ ऑल पिक्चर स्टैम्प का हम एरिया फाइंड आउट कर देते हैं. एरिया फाइंड आउट करना डैट मीन्स ये जो स्टैम्प ए है ओके वो पिक्चर स्टैम्प है और स्टैम्प ए में जितने भी स्क्वायर है वो हम टोटल कर देंगे. सो उसका एरिया फाइंड आउट कर देना है. सो हम काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. That means stamp A ने कितना स्क्वायर कवर किया है, 18 स्क्वायर कवर किया है. स्टैम्प ए ने कितना स्क्वायर कवर किया है, 18 स्क्वायर कवर किया है. डैट मीन्स स्टैम्प ए का एरिया 18 है. ओके अगेन स्टैम्प ए ने कितना स्क्वायर कवर किया है, 18 स्क्वायर कवर किया है. डैट मीन्स स्टैम्प ए का एरिया कितना है, 18. स्टैम्प बी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. स्टैम्प बी ने कितना एरिया कितना स्क्वायर कवर किया है, 8 स्क्वायर कवर किया है. डैट मीन्स स्टैम्प बी का एरिया 18 है. ओके स्टैम्प सी ने कितना स्क्वायर कवर किया है फाइंड आउट करते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6. डैट मीन्स स्टैम्प सी ने कितना स्क्वायर कवर किया है, 6 स्क्वायर कवर किया है. डैट मीन्स स्टैम्प सी का एरिया 6 है. सम स्टूडेंट एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, शॉर्ट देखो आप ऐसे भी कर सकते हो. फर्स्ट लाइन कितनी है, 1, 2, 3, 4 और रो कितनी है, 3, 1, 2, 3. अगेन कॉलम कितनी है, 1, 2, 3, 4 और रो कितनी है, 3, 1, 2, 3. सो 3, 4 जै 12. डैट मीन्स स्टैम्प डी का एरिया कितना होगा, 12. कैसे काउंट किया, अगेन कॉलम कितनी है, 4 है. डैट मीन्स 1, 2, 3, 4 और रो कितनी है, 3, 1, 2, 3. डैट मीन्स 4, 3 जै 12. अब ऐसे डायरेक्ट काउंट करके भी लिख सकते हो और ऐसे तो इजी है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. डैट मीन्स 12 आंसर आ गया. डैट मीन्स स्टैम्प डी ने कितना स्क्वायर कवर किया है, 12. सो डैट्स वाई स्टैम्प डी का एरिया 12 है. ओके आप इजी मेथड भी अप्लाई कर सकते हो कि स्टैम्प डी की कॉलम कितनी है, 4, 1, 2, 3, 4 और रो कितनी है, 3, 1, 2, 3. सो 3, 4 जै 12. ओके स्टैम्प ई की कॉलम कितनी है, 1, 2. स्टैम्प ई की कॉलम कितनी है, 1, 2 और रो कितनी है, 1, 2. सो 2, 2 जै 4 और टोटल भी आप काउंट कर सकते हो, 1, 2, 3, 4. डैट मीन्स स्टैम्प ई ने 4 स्क्वायर कवर किया है. डैट्स वाई स्टैम्प ई का एरिया 4 है. ओके और स्टैम्प एफ में रो कितनी है, 1, 1, 2, 3, 4 और कॉलम कितनी है, 1, 2, 3. अगेन स्टैम्प एफ में कॉलम कितनी है, 1, 2, 3 और रो कितनी है, 1, 2, 3, 4. सो 4, 3 जै 12. सो स्टैम्प एफ ने 12 स्क्वायर कवर किया है. डैट्स वाई स्टैम्प एफ का एरिया 12 सेंटीमीटर है. अगेन आप काउंट भी कर सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. डैट मीन्स स्टैम्प एफ ने 12 स्क्वायर कवर किया है. डैट्स वाई स्टैम्प एफ का एरिया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है. ओके सो हम अब क्वेश्चन पढ़ रहे हैं. लुक एट दिस इंटरेस्टिंग स्टैम्प. हाउ मैनी स्क्वायर ऑफ 1 सेंटीमीटर साइड डज स्टैम्प ए कवर. सो स्टैम्प ए ने कितना स्क्वायर, स्टैम्प ए में कितने स्क्वायर है, 18. सो यहाँ पे आंसर आएगा 18 और हमने बी का भी काउंट किया है एंड स्टैम्प बी. तो स्टैम्प बी में कितने स्क्वायर थे, 8 स्क्वायर थे. डैट्स वाई उसका एरिया भी 8 था. विच स्टैम्प हैज़ द बिगेस्ट एरिया. सो स्टैम्प ए. सो यहाँ पे आएगा स्टैम्प ए हैज़ अ बिगेस्ट एरिया.
सेंटेंस सेंटेंस और करना है स्टैम्प ए हैज़ अ बिगेस्ट एरिया. हाउ मैनी स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर डज दिस स्टैम्प कवर. दैट मीन्स स्टैम्प ए हाउ मैनी स्क्वायर ऑफ 1 सेंटीमीटर डज दिस स्टैम्प कवर. सो कितने थे 18. हाउ मच इज द एरिया ऑफ द बिगेस्ट स्टैम्प. तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 18. स्टैम्प ए में कितने स्क्वायर कवर किए हैं 18 और उसका एरिया भी कितना है 18. विच टू स्टैम्प हैव द सेम एरिया. विच टू स्टैम्प हैव द सेम एरिया. सो स्टैम्प डी एंड स्टैम्प एफ. स्टैम्प डी एंड स्टैम्प एफ है वो सेम एरिया. सो यहाँ पे आंसर आएगा स्टैम्प डी एंड स्टैम्प एफ. स्टैम्प डी एंड स्टैम्प एफ आप ऐसे भी काउंट कर सकते हो. स्टैम्प डी. क्वेश्चन कौन सा था नंबर सी. सो स्टैम्प डी. स्टैम्प डी में रो कितनी है 1, 2, 3 और कॉलम कितनी है 4. 1, 2, 3, 4. सो 4 × 3 इज इक्वल टू आंसर कितना आएगा 12. और स्टैम्प एफ में कॉलम कितनी है 3. 1, 2, 3. सो 3 × रो कितनी है 1, 2, 3, 4. सो 3 × 4 इज इक्वल टू 12. सो स्टैम्प डी एंड स्टैम्प एफ का एरिया कैसा सेम है. सो यहाँ पे आंसर क्या आएगा स्टैम्प डी एंड स्टैम्प एफ. हाउ मच इज द एरिया ऑफ दिस स्टैम्प डेक्स स्क्वायर सेंटीमीटर. सो आंसर यहाँ पे कितना आएगा 12. अगेन हाउ मच इज द एरिया ऑफ ईच ऑफ दिस स्टैम्प डेक्स स्क्वायर सेंटीमीटर. सो दोनों का आंसर कितना आया 12. सो यहाँ पे आएगा आंसर 12 स्क्वायर सेंटीमीटर. The area of the smallest stamp is. The area of the smallest stamp is E. और उसका सेंटीमीटर कितना है 4 स्क्वायर सेंटीमीटर. द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट स्टैम्प इज 4 स्क्वायर सेंटीमीटर. द डिफरेंट बिटवीन द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द बिगेस्ट स्टैम्प इज 10 सेंटीमीटर. सो बिगेस्ट स्टैम्प इज 18 सेंटीमीटर एंड स्मॉलेस्ट स्टैम्प इज 4 सेंटीमीटर. सो 18 − 4 = 14 इज इक्वल टू 14. सो 14 स्क्वायर सेंटीमीटर. कलेक्ट सम ओल्ड स्टैम्प. यानी कि आप यहाँ पे ये जो स्टैम्प है वो पिक्चर स्टैम्प है. आपके पास भी ऐसे पिक्चर स्टैम्प होंगे. अगर नहीं है सो आप कलेक्ट कर लो. कलेक्ट सम ओल्ड स्टैम्प. प्लेस देम ऑन द स्क्वायर ग्रिड. यानी कि स्क्वायर ग्रिड आपको मेकिंग करनी है. आप ऐसे पेज ले लो. पेज में फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वायर ड्रॉ कर दो और उसमें स्टैम्प ऐसे आप स्टैम्प लगा दो. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है नोटबुक में ऐसे स्क्वायर ड्रॉ कर देना है. आपके पास जितने पिक्चर कलेक्ट किए हो वो. अगर आपने ज़्यादा पिक्चर कलेक्ट किए हैं सो आप बिग स्क्वायर ड्रॉ कर दो. स्क्वायर ड्रॉ करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे जितने भी पिक्चर कलेक्ट किए हैं वो पिक्चर नोटबुक में यहाँ पे लगा देने हैं. और पिक्चर के ऊपर ऐसे आपको स्क्वायर ग्रिड ड्रॉ करनी है. वो 1 सेंटीमीटर की होनी चाहिए. यानी कि आप ऐसे 1 सेंटीमीटर की ग्रिड ड्रॉ करनी है.
आपको नोटबुक में, अगर आपके पास स्क्वायर ग्रिड रेडी हो तो भी चलेगा, और नहीं हो तो आप ऐसे स्क्वायर ग्रिड मेकिंग कर दो। ओके, आपके पास अगर पिक्चर ज़्यादा है तो आपको बिग स्क्वायर ड्रॉ करना है, और ऐसे आप स्क्वायर ग्रिड ड्रॉ कर सकते हो नोटबुक में। ओके, ऐसे आप ड्रॉ कर सकते हो स्क्वायर ग्रिड। सो आपको ये मेकिंग करना है स्क्वायर ग्रिड। और क्वेश्चन क्या है, कलेक्ट सम ओल्ड स्टैम्प, यानी कि आपके पास ऐसे पिक्चर हो गए। ओके, सो आपको ऐसे स्क्वायर ग्रिड पे वो पिक्चर लगाना है, पिक्चर के ऊपर आप स्क्वायर ग्रिड ड्रॉ कर दोगे तो चलेगा, क्योंकि स्क्वायर ग्रिड ड्रॉ कर दिया और उसके बाद आपने पिक्चर लगाया तो स्क्वायर ग्रिड वो क्या हो जाएगी, दिखेगी नहीं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या कर दो कि स्क्वायर ड्रॉ कर दो, और उसमें पहले पिक्चर ऐसे पिक्चर लगा दो और उसके ऊपर स्क्वायर ग्रिड ड्रॉ कर दो, सो वो ईजी हो जाएगा। कलेक्ट सम ओल्ड स्टैम्प ने प्लेस देम ऑन द स्क्वायर ग्रिड। ओके, प्लेस देम ऑन द स्क्वायर ग्रिड एंड फाइंड देयर एरिया एंड पैरीमीटर। आपको क्या फाइंड करना है, एरिया एंड पैरीमीटर। सो एरिया फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स आपको स्क्वायर काउंट करना है, टोटल स्क्वायर जो पिक्चर ने कवर किया है वो क्या होगा, एरिया होगा। एंड पैरीमीटर, पैरीमीटर कैसे होगी, फॉर एग्जाम्पल स्टैम्प ए, स्टैम्प ए की हमें पैरीमीटर फाइंड आउट करनी है। सो हम फर्स्ट लाइन आप देख सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6। सो यहाँ पे 6 लाइन है, 6 स्क्वायर है, यहाँ पे कितने स्क्वायर है, 1, 2, 3, तो यहाँ पे 3 लाइन हो गई। यहाँ पे कितने स्क्वायर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 स्क्वायर है, और यहाँ पे कितने स्क्वायर है, 1, 2, 3, सो यहाँ पे 3। अब ये 6, 3, 6, 3 का क्या कर देना है, एडिशन करना है, क्या करना है, एडिशन करना है हमें। फॉर एग्जाम्पल स्टैम्प ए की हमें क्या फाइंड आउट करनी हो, पैरीमीटर। सो पैरीमीटर ऑफ स्टैम्प ए इज इक्वल टू, अब हमें ये जो मेजरमेंट है उसका टोटल कर देना है, 6 + 3 + 6 + 3, सो आंसर क्या आएगा, 6 + 3 = 9 एंड 6 + 3 = 9, सो 9 + 9 = 18। ओके, फॉर एग्जाम्पल स्टैम्प बी की भी हम पैरीमीटर फाइंड आउट कर, पैरीमीटर कैसे फाइंड आउट करनी है, आप यहाँ पे देख सकते हो, 1, 2 स्क्वायर है, सो यहाँ पे 2, यहाँ पे कितने स्क्वायर है, 1, 2, 3, 4, सो 4, 1, 2 स्क्वायर है, 1, 2, 3, 4 स्क्वायर है। अब ये 2 + 4 + 2 + 4, अब ये जो मेजरमेंट है उसका हमें एडिशन कर देना है। सो स्टैम्प बी सो पैरीमीटर ऑफ स्टैम्प बी इज इक्वल टू 2 + 4 + 2 + 4, सो 2 + 4 = 6, 2 + 4 = 6, सो 6 + 6 = 12। ओके, सो ऐसे एज इट इज़ आप स्टैम्प सी, स्टैम्प डी, ई और एफ का भी पैरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हो। यानी कि आपका होमवर्क क्या होगा, कलेक्ट सम ओल्ड स्टैम्प आपको कलेक्ट करना है, और उसको ऐसे स्क्वायर में स्क्वायर ड्रॉ करके फर्स्ट ऑफ ऑल वो स्टैम्प को आप यहाँ पे प्लेस कर दो, प्लेस आउट कर दो, देन आफ्टर स्टैम्प के ऊपर आप ग्रिड ड्रॉ कर दो। ओके, और उसके बाद आपको एरिया और पैरीमीटर फाइंड करनी है। ओके, थैंक यू।